और रोहित कैसे हैं सब घर पे? मॉम एंड डैड कैसे हैं? अपने जयपुर का तो हाल सुना? अरे सब बढ़िया, सब मजे में। और बता, तेरा बिजनेस कैसा चल रहा है? बिजनेस तो बस मस्त चल रहा है, लेकिन वो दिन बहुत मिस करते यार। वो कॉलेज के दिन क्या मस्ती करते थे यार। हाँ यार, हम लोग मिलके कितनी मस्ती कर दिया। क्या बात है यार। अबे साले, एक तो मैं इतने दिन बाद जयपुर से आया और तू फोन में बिजी है। अबे भाई, तुझे पता नहीं है क्या, 25 को पद्मावती आ रहा है। पद्मावती नहीं, पद्मावत। अबे वही, उसका प्री बुकिंग कर रहा हूँ। चलेगा क्या तू? नहीं जाएगा? मैं नहीं जाऊंगा। क्यों, क्या हुआ? उस फिल्म में हमारे राजपूत समाज का उल्लंघन किया गया है, और तो और रानी पद्मावती का अपमान भी। तुझे शायद मालूम नहीं होगा, हम लोगों ने डायरेक्टर वंशाली को मारा, सेट जला दिया, और यहाँ तक कि सारे के सारे इक्विपमेंट को तोड़ डाला। इतना प्रोटेस्ट किया ना कि बात कोर्ट तक पहुँच गई थी। अब तो उस डायरेक्टर वंशाली को सीन्स चेंज करने पड़ गए, कॉस्ट्यूम भी, और तो और पद्मावती से पद्मावत कराना पड़ा। सुन ले बे, पद्मावती नहीं, पद्मावत। और अगर मूवी वैसे ही रिलीज होती ना, तो सारे एक्टर्स और डायरेक्टर्स की तो खैर नहीं होती, और जितने भी थिएटर्स में लगते ना, सारे के सारे जला दिए जाते। पागल हो गया क्या? एक बात बोलूं दोस्त, बुरा मत मानना। बोल। मैं नहीं जानता रानी पद्मावती तुम राजपूतों के नज़र में क्या मायने रखती है। इज्जत हम भी करते हैं उनकी, बिल्कुल, लेकिन जो इंसान हमारे बीच जिंदा नहीं है, उनके ऊपर एक मूवी बनने पे तुम लोगों ने इतनी आवाज़ें उठा दी, इतना कुछ कह दिया, ये भूल गए कि आज हमारे देश में जो औरतें जिंदा हैं, जो हमारी माँ बहन हैं, उनके ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है, मोलेस्टेशन हो रहा है, जुल्म हो रहे हैं, रेप पे रेप हो रहे हैं। अगर इन केसों के ऊपर आवाज़ें उठाई होती तो हमारे देश का नक्शा कुछ अलग ही होता, हमारे देश की औरतें ज़्यादा सुरक्षित रहती और रेप कम हो गए होते। कभी ऐसा सोचा है? नहीं यार, हम लोगों ने कभी ऐसा सोचा ही नहीं। यार आज तो तुमने मेरी सोच बदल डाली। अच्छा, तब तो बहुत अच्छी बात है, आज तेरी सोच बदली है। कल अगर लोगों का सोच बदल जाए तो हमारा देश बदल जाएगा। क्यों, तो क्या सोचा, बुकिंग कर दूं? अरे हाँ यार, बुक कर दे, ये भी कोई पूछने वाली बात है। अच्छी बात है यार, बुक कर इसका। हो गई, हो गया। चले तब फिर पद्मावत देखने। चले, तीनों भाई मिलके मूवी देखेंगे। चलो यार, और क्या, चलते हैं।